कान्हा, रेशम और निशा ये तीनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म, और निशा ने फर्म को लोन दिया था ₹1 लाख का एट द रेट 10% पर एनम। अब जो इनका अकाउंटेंट है इनकी फर्म का, वो इस बात पे एम्फसाइज कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाना चाहिए 6% पर एनम, ना कि 10% पर एनम। अब आपको बताना है बच्चों कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड टू निशा। तो कौन सा रेट सही है, क्या 10% सही है या 6% सही है, 10% पर एनम या फिर 6% पर एनम या फिर 8% पर एनम या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है उसको बहुत ढंग से पढ़िए। इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है कि जब निशा ने फर्म को लोन दिया था वो एट द रेट 10% पर एनम दिया था, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब इनकी जो 10% पर एनम वाली कंडीशन है वो पहले से ही डिसाइडेड थी कि निशा जो फर्म को लोन देगी वो 10% पर एनम पे देगी। अगर ये बात मेंशन नहीं होती कि रेट क्या डिसाइडेड था अमंग द पार्टनर्स, तो हम ऐसे में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम देते, ठीक है। अकाउंटेंट की बात तब सही होती क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को दिया जाता है वो 6% पर एनम होता है। मगर यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है, अगर आप पढ़ें कि जब निशा ने लोन दिया था फर्म को तो उसी समय कहा गया था 10% पर एनम पे ये लोन दिया गया है, ठीक है। 10% पर एनम का इंटरेस्ट दिया ही जाना था इस लोन पे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा एक्चुअल में वो होगा 10% पर एनम, ना कि 6% पर एनम। हाँ, अगर ये कंडीशन पहले से डिसाइड ना होती तो पक्का 6% पर एनम आंसर होता, मगर फिलहाल आंसर क्या है बच्चों, 10% पर एनम।